हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कार देख लो। मैं वापस आ चुका हूं वत्सल हुंडई शोरूम, जो कि हजारीबाग झारखंड में अवेलेबल है। और आज इस शोरूम से मैं जिस गाड़ी का वीडियो बनाने जा रहा हूं, फ्रंट में आप देख पा रहेंगे, ये रही हुंडई i20 की एक न्यू वेरियंट, जहां पे अब जरूरत की सारी फीचर्स मिलने वाली है। तो बेसिकली अगर i20 की स्पोर्ट वेरियंट लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर इसकी एस्टा वेरियंट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो वेट वेट वेट, अब यहां पे i20 में एक न्यू वेरियंट आपको मिलने वाली है, जहां पे अब जरूरत की सारी फीचर्स मिलने वाली है, वो भी आपके प्राइस रेंज में। तो कहीं ना कहीं जब आप i20 स्पोर्ट वेरिएंट लेने का प्लान करते हैं, तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको नहीं मिलती थी, जैसे सनरूफ, वायरलेस चार्जर, या फिर ये सारी फीचर्स के लिए आपको एस्टा वेरिएंट में जाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन वेट वेट वेट, अब यहां पे स्पोर्ट ऑप्शनल के नाम पे एक न्यू वेरिएंट मिलने वाली है, जहां पे अब जरूरत की सारी फीचर्स मिलने वाली है। और i20 के स्पोर्ट वेरिएंट ना लेके स्पोर्ट ऑप्शनल वेरिएंट लेते हैं, तो एक्स शोरूम में 35,000 आपको ज्यादा देना पड़ता है और ऑन रोड में आपको 40,000 के आसपास एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीज कवर करके बताएंगे कि i20 की न्यू वेरिएंट स्पोर्ट ऑप्शनल वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स मिलने वाली है, और ये 35,000 से 40,000 जो इसमें एक्स्ट्रा देते हैं वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वो सब कुछ इस एक वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे, साथ में इसकी एक्सोरूम ऑन रोड क्या पड़ने वाली है वो भी आपको कवर करके बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि i20 लेने का प्लान करते हैं तो ये सारी वेरिएंट में आप ले पाएंगे, जहां पे आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक सारी चीज का ऑप्शन होने वाली है। साथ में आप बात करते हैं कि स्पोर्ट ऑप्शनल लेते हैं तो ये सारे कलर ऑप्शन के साथ आप यहां पे ले पाएंगे। और फ्रंट में यहां पे जो कलर आप देख पा रहे हैं, ये अमेज़न ग्रे कलर के नाम पे एक न्यू कलर आई है, जो कि आपको स्पोर्ट ऑप्शनल में मिलती है। काफी अच्छी लग रही है, काफी अमेजिंग लगती है ये कलर। तो बिना देर के अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में और बात करते हैं कि इस वेरिएंट में आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलने वाली है, साथ में यहां पे आपको स्पोर्ट के कंपैरिजन में नया फीचर्स क्या देखने को मिलने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के लाइट के सेटअप में। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब आपको मिलने वाली है, हाई बीम लो बीम की प्लेसिंग यहीं पे होने वाली है, टर्न इंडिकेटर आप इसकी देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक ग्रिल मिलने वाली है, जो कि पियानो ब्लैक कलर के साथ आती है। ये देखने में काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक लगने वाली है और ये गाड़ी को फ्रंट से काफी बोल्ड लुक बना देती है। अब जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको LED DRL आपको मिलने वाली है, साथ में ये जो स्पेस देख पा रहे हैं कि गाड़ी को फ्रंट से एरोडायनेमिक बनाए रखने के लिए दी गई है, साथ में यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर के साथ फिनिशिंग मिलती है। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट की रेडिएटर ग्रिल की, तो ये भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आती है, काफी अच्छी लग रही है देखने में। साथ में इस वेरिएंट में फ्रंट में स्कीड प्लेट सिल्वर कलर के साथ मिलती है। इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को फ्रंट से टो करना है तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिलती है। अब बात करते हैं गाड़ी की अपर के बोनेट की डिजाइनिंग की, तो कुछ इस टाइप की कर्व डिजाइनिंग मिलती है, जो की आगे से गाड़ी को एरोडायनेमिक बना के रखती है, साथ में यहाँ पे सिल्वर कलर के साथ इसकी लोगो देख पा रहे होंगे। अब आ चुके गाड़ी के साइड के प्रोफाइल में, तो एक बार आप इसकी साइड की लुक देखो यार, काफी अच्छी लगती है। अब साइड से सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की डायमेंशन की, जहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट, साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे 170 mm आपको मिलती है। एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, तो फोल्डेबल ORBM मिलने वाली है स्पोर्ट ऑप्शनल के वेरियंट में, तो ये काफी अच्छी बात है। बटन के थ्रू इसके अंदर के मिरर को और इसे फोल्ड कर पाओगे, साथ में LED टर्न इंडिकेटर आपको बॉडी कलर के साथ यहाँ पे ORBM मिलती है। अब बात करते हैं गाड़ी की डोर हैंडल्स की, तो ये बॉडी कलर के साथ होने वाली है, लॉक अनलॉक आप मैन्युअली रूप से कर पाओगे। साथ में यहाँ पे विंडो क्रोम आप गार्निश देख पा रहे, जो कि कंपनी फिटेड मिलती है। साइड के प्रोफाइल को ये इनहेंस करने वाली है। ए पिलर की बात की जाए तो बॉडी कलर बी और सी पिलर यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ होती है। अब आते हैं गाड़ी के टायर के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे स्टार व्हील मिलने वाली है, जिसकी डिजाइनिंग देखो यार, एज अ स्टार के जैसा आपको फील होती है, काफी अच्छी डिजाइन के साथ आने वाली है। टायर C8 कंपनी के साथ होने वाली है, 195/55 R16 इंच की यहाँ पे टायर साइज मिलती है। फ्रंट में डिस्क और पीछे यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे साइड ग्लाइडिंग आपको पियानो ब्लैक कलर के साथ मिलने वाली है, साथ में यहाँ पे i20 की ब्रांडिंग होने वाली है। अब जैसे आते हैं गाड़ी के रूफटॉप में, तो अगर इसकी स्पोर्ट वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट इलेक्ट्रिक जो सनरूफ देख पा रहे, ये आपको वहां पे नहीं मिलता, लेकिन ऑप्शनल में ये चीज अब एक्स्ट्रा एड हो चुकी है। साथ में पीछे आप सार्फिन एंटीना आप देख पा रहे होंगे। तो स्पोर्ट ना लेके स्पोर्ट ऑप्शनल लेते हैं तो यहाँ पे पहला जो ये सनरूफ है ये आपको मिलने वाली है। साइड से यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर के साथ एरोडायनेमिक वाली डिजाइनिंग मिलती है, और इसके साथ ये पेट्रोल मैनुअल की अभी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 37 लीटर की फ्यूल टैंक मिलने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के बैक के प्रोफाइल में, तो एक बार आप इसकी बैक प्रोफाइल देखो यार, काफी अच्छी लगती है, जरूरत की सारी फीचर्स है, और सबसे अच्छी बात हैचबैक सेगमेंट की जो लुक होनी चाहिए यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के टेल लैंप में, तो यहाँ पे LED टेल लैंप मिलने वाली है, जेट के शेप में आपको मिलती है, टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे होंगे, रिवर्स लाइट की प्लेसिंग। अब अपर में आते हैं तो यहाँ पे हाई
स्टॉप लैंप आपको मिलने वाली है। पीछे वाइपर तो नहीं मिलती है, लेकिन भाई इसमें आपको डिफोगर मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी बात है। पीछे आप लोगों देख पा रहेंगे, साथ में बैकडोर जो गार्निश है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलती है। i20 की ब्रांडिंग और स्पोर्ट की यहाँ पे ब्रांडिंग होने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की बम्पर की, तो ये पियानो ब्लैक कलर के साथ होने वाली है। साथ में पीछे दो पार्किंग सेंसर और नीचे यहाँ पे कैमरा की प्लेसिंग होने वाली है। साथ में नीचे स्कीड प्लेट मिलने वाली है, वो भी सिल्वर के साथ। और इसकी डिजाइनिंग देखो भाई, काफी प्रीमियम लगती है। रिफ्लेक्टर और यहाँ पे ट्रायरो असेंबल में डिजाइन देख पा रहे होंगे। अब करते हैं गाड़ी के बूट को ओपन, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलती है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर पाओगे। साथ में जैसे ऊपर में आते हैं तो ये पूरी तरह से ब्लैक कलर के साथ कवरिंग की गई है। साथ में यहाँ पे एक हैंडल ग्रिप्स मिलने वाली है जिसके थ्रू आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के बूट स्पेस में, तो यहाँ पे 311 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। साथ में पार्सल ट्रे को टो करना है तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिलने वाली है। साथ में बूट के इनसाइड में आते हैं तो दोनों साइड में लगेज होल्डर मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की स्टेपनी की, तो ये स्टील रिम ब्लैक पेंटेड के साथ होने वाली है। जैक गाड़ी के टूल किट्स की प्लेसिंग यहीं पे होती है। साथ में ब्रिज स्टोन की टायर मिलने वाली है। टायर प्रोफाइल बात की जाए तो 185/65 R15 इंच की यहाँ पे स्टेपनी साइज आपको मिलने वाली है। इसके साथ गाड़ी की जो रिफ्लेक्टर है यहाँ पे आपको कुछ उस टाइप के स्टिकर्स के साथ माउंटेड होने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के रियर इंटीरियर में, तो सबसे पहले कवर करते हैं इसकी सीट की, तो यहाँ पे डुअल टोन फैब्रिक के साथ मिलती है। इसकी सीट की प्रीमियमनेस और क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है। इसकी कुशन की बात की जाए तो ये लाजवाब यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जो दोनों हेडरेस्ट आपको मिलती है वो फिक्स के साथ मिलने वाली है। साथ में जो मिडिल में बैठेंगे इनके लिए 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट। साथ में यहाँ पे आप रीड कर पा रहे आइसोफिक्स ऑल सेफ्टी लॉक मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की थाई सपोर्ट की, तो ओवरऑल गाड़ी की थाई सपोर्ट काफी अच्छी इसकी लेंथ के अनुसार मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस देखो भाई, बड़े लोग कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। और पीछे के कंफर्ट के लिए यहाँ पे एसी वेंट विद यहाँ पे क्रोमिंग के साथ मिलने वाली है। पीछे फोन कैरी करनी है, साथ में यूएसबी पोर्ट के साथ यहाँ पे चार्जिंग मिलने वाली है। और इसकी फ्लोर आप देख पा रहे होंगे कुछ उस टाइप की, इसकी फ्लोर यहाँ पे नीचे मिलती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो एक आपको रीडिंग लैंप मिलने वाली है। इसके साथ दोनों साइड में आपको हैंडल ग्रिप्स मिलने वाली है। अब यहाँ से देखते हैं भाई सनरूफ की व्यू की, तो यहाँ पे कुछ उस टाइप की मिलती है। इसकी जो व्यू है काफी अच्छी है, बड़े लोग आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल होके खड़े हो पाएंगे। साथ में यहाँ पे i20 लेते हैं तो पीछे क्वार्टर आपको विंडशील्ड मिलने वाली है जो कि देखने में काफी यूनिक लगने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के रियर डोर्स के ट्रिम्स में, तो ये डुअल टोन के साथ आने वाली है। ऊपर में कुछ उस टाइप के व्हाइट एंड थीम के साथ आने वाली है। ग्रे के साथ इसकी लॉक अनलॉक वाली मिलती है। पीछे पावर विंडोज की या क्वीन कैरी करनी है। साथ में 1 लीटर का बोतल होल्डर और यहाँ पे स्पीकर्स मिलने वाली है। साथ में रेगुलर कार्स की तरह यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलती है। अब आते हैं इसकी फ्रंट के इंटीरियर में, तो इसकी इंटीरियर देखो यार काफी अच्छी, यहाँ पे आपको प्रीमियम फील करवाने वाली है, जो चीज मैं आपको आगे कवर करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में। अब जैसे इधर आते हैं तो चारों पावर विंडोज आपको मिलने वाली है। ड्राइवर के साइड 1 टच डाउन आपको मिलने वाली है। पावर विंडोज को लॉक करनी है, साथ में सेंटर लॉकिंग, बाहर के मिरर को एडजस्ट करनी है, फोल्ड करनी है, सारी चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। साथ में की या कॉइन कैरी करनी है। नीचे 1 लीटर की बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर और यहाँ पे स्पीकर्स मिलती है। इसके साथ यहाँ पे आपको ट्विटर्स की प्लेसिंग होने वाली है। और यहाँ पे जो दूसरी अपडेट्स मिलने वाली है, ये जो आप देख पा रहे लेदर सॉफ्ट टच जो कि आर्मरेस्ट के साथ मिलने वाली है, ये एज अ आपको स्पोर्ट ऑप्शनल वेरिएंट में मिलने वाली है। स्पोर्ट के वेरिएंट में ये आपको नहीं मिलती है, जो कि गाड़ी के डोर्स के ट्रिम्स को ये प्रीमियम बनाती है। और यहाँ पे इसकी कुशन भी काफी अच्छी मिलती है। अब आते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट में, तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल आपको मिलने वाली है। थाई सपोर्ट इसकी काफी अच्छी मिलती है। और बात कर लेते हैं इसकी शोल्डर सपोर्ट की, तो ये भी काफी अच्छी मिलने वाली है। दोनों जो यहाँ पे हेडरेस्ट आपको मिलने वाली है वो हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलती है। साथ में सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करना तो इजी वे में आप यहाँ पे कर पाओगे। अब आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग में, तो ये सबसे पहले डी शेप में होने वाली है। सिल्वर की डिजाइनिंग आप देख पा रहे होंगे। लेफ्ट साइड में म्यूजिक के सारे कंट्रोल्स और यहाँ पे वॉइस कमांड आपको मिलने वाली है। राइट साइड में इसमें क्रूज कंट्रोल मिलती है, MID के कंट्रोल्स और बीच में लोगो देख पा रहे होंगे। और इसकी साउंड देखो यार, इस वेरिएंट में काफी अच्छी साउंड्स मिलने वाली है। साथ में ये जो स्टीयरिंग है वो टिल तो मिलती है और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक भी मिलने वाली है। अब राइट साइड के डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पे सिल्वर की डिजाइन आप देख पा रहे होंगे। नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, लाइट लेबलिंग वाली आपको यहाँ पे स्विचेस मिलने वाली है। इस गाड़ी की सारी फ्यूज बॉक्स आपको यहाँ पे मिलती है। गाड़ी के बोनेट को ओपन करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे एक आपको फुटरेस्ट मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे देखो यार, इसकी डैशबोर्ड काफी प्रीमियम के साथ मिलने वाली है। डुअल
टोन के साथ मिलती है। स्ट्रेट डिजाइन के साथ यहाँ पे काफी अच्छी लगने वाली है। बीच में हजार लाइट के बटन आप देख पा रहे होंगे। अब आते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में, तो यहाँ पे 8 इंच का आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, जहाँ पे 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स आपको मिलने वाली है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले की सारी फंक्शन मिलने वाली है। ऑल मेन्यू देख पा रहे होंगे, फोन मीडिया सारी कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। ऑडियो वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी है। ऑल मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जरूरत की सब कुछ मिलने वाली है। बैक कैमरा देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया फोन प्रोजेक्शन सब कुछ मिलने वाली है। आगे जाते हैं तो ई मैनुअल भी अगर आपको देखना है तो एज आप अपने फोन से यहाँ पे स्कैन करके देख पाओगे, तो जरूरत की सारी चीज मिलती है। साथ में साइड में सारे इसके कंट्रोल्स और नॉब मिलने वाली है। अब जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स और सारे बटन्स यहाँ पे मिलने वाली है। तो भाई मिडिल के वेरिएंट में भी काफी अच्छी यहाँ पे फीचर्स मिलने वाली है। साथ में अगर गाड़ी को 12 वोल्ट की रेगुलर चार्जर से चार्ज करनी है, यूएसबी पोर्ट से करनी है, टाइप सी से करनी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन भाई वेट, अब यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिलने वाला है। तो न्यू अपडेट के साथ यहाँ पे स्पोर्ट ऑप्शनल वेरियंट लेते हैं तो आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलने वाला है। ये स्पोर्ट के वेरिएंट में नहीं मिलती है। तो ये 3 फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया यहाँ पे आपको ऑप्शनल में मिलती है। साथ में ये जो गियर है 5 गियर विथ एक रिवर्स के साथ पूरी तरह से लेदर कवर होने वाली है। 2 कप होल्डर मिलती है, इसकी हैंड ब्रेक आप देख पा रहे होंगे, इसमें आर्मरेस्ट भी मिलने वाली है। साथ में इसकी कंसोल बॉक्स की स्पेस देखो यार, काफी डेप्थ में मिलती है। कूल्ड के लिए इसके ग्लोव बॉक्स में आना पड़ेगा जो कि कूलिंग के साथ तो मिलती है, और यहाँ पे स्पेस देखो यार काफी बिग साइज में मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे देखो भाई जहाँ पे जरूरत की सारी फंक्शन मिलने वाली है, और इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में भी काफी लाजवाब लगने वाली है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर देख पा रहे, डिजिटल के साथ भी मिलने वाली है। राइट साइड में आरपीएम मीटर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाड़ी में फ्यूल कितनी आप देख पाएंगे। राइट साइड में इंजन कितनी हीट है आप देख सकते हैं। ऑल सीट बेल्ट यहाँ पे रिमाइंडर मिलती है, जहाँ पे आप पीछे की आप देख सकते हैं कितनी टेम्परेचर है, गाड़ी कितनी चली है, डोर्स ओपन है, गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, वो सब कुछ यहाँ पे देख पाएंगे। इसके साथ स्टेयरिंग में MID की कंट्रोल्स मिलने वाली है, फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलने वाली है। आगे जाते हैं तो यूजर सेटिंग आपको सब कुछ मिलने वाली है। ओवरऑल जरूरत की सारी फंक्शन यहाँ पे मिलती है, और इसकी ब्लूविश लाइट देखो यार, ये एक्चुअल में काफी लाजवाब लगती है, प्रीमियम यहाँ पे फील करवाती है भाई। i20 और ये सेगमेंट तो फिर पूछो मत, वैल्यू फॉर मनी की सबसे अच्छी i20 की ये मॉडल अब बन जाती है। साथ में अब बात कर लेते हैं गाड़ी की चाबी की, तो एक फ्लिप की मिलती है जहां पे लॉक अनलॉक और गाड़ी के बूट को ओपन करना है, तो ये होल्ड के बटन आप देख पा रहे हैं इसके थ्रू आप कर पाएंगे। पीछे आप लोगों देख पा रहे होंगे एक मैनुअल की आपको यहां पे मिलती है। अब यहां से सनरूफ की व्यू आप देख सकते हैं। साथ में यहां पे फोल्डेबल आपको हैंडल ग्रिप्स मिलने वाली है। इधर आते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा वैनिटी मिरर, 2 रेगुलर लाइट, सनरूफ को क्लोज करना ओपन करना यहीं से आप कर सकते हैं। साथ में भाई सनग्लासेस होल्डर मिलने वाली है डे नाइट के साथ, IRBM। साथ में यहाँ पे आते हैं तो कार्ड होल्डर मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिलने वाली है। i20 की कोई भी मॉडल्स लो, नीचे की मॉडल या अपर की वेरियंट, यहाँ पे 6 एयरबैग मिलती है, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों सीट के साइड में, और अपर में यहाँ पे कटन एयरबैग दोनों के साइड में मिलती है। अब आते हैं गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे 4 सिलेंडर के साथ इसकी इंजन मिलने वाली है, जिसकी रिफाइनमेंट काफी अच्छी मिलती है। ये जो इंजन है वो 1.2 लीटर 1200 सीसी की पेट्रोल कापा इंजन आपको मिलती है, जहां पे जो मैक्सिमम पावर जनरेट होने वाली है वो 83 पीएस का पावर जनरेट होती है। साथ में बात करते हैं इस इंजन की मैक्सिमम टॉर्क की, तो यहां पे 114 न्यूटन मीटर आपको टॉर्क मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी को लेते हैं तो कंपनी के साइड से जो वारंटी मिलेगा वो 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर 3 साल के अंदर में कवरेज होती है। इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो टोटल आप 7 साल तक कर पाओगे। इसके साथ यहाँ पे आपको 3 साल का RSA का लाभ फ्री मिलने वाली है। ये काफी अच्छी बात है, बहुत सारे कंपनीज में ओनली 1 साल मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको रोड साइड असिस्टेंट की फीचर्स 3 साल तक फ्री मिलती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की सेफ्टी की, तो यहाँ पे इसे 3-स्टार रेटिंग मिली हुई है। साथ में यहाँ पे ABS, EBD, CSE, हिल स्टार्ट असिस्ट, साथ में फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक मिलने वाली है, पीछे पार्किंग सेंसर विद कैमरा के साथ, ऑल सीट बेल्ट आपको रिमाइंडर मिलने वाली है, आइसोफिक्स ऑयल सेफ्टी लॉक, और यहाँ पे 6 एयरबैग मिलती है। तो भाई यहाँ पे जरूरत की सारी सेफ्टी फीचर्स बेसिक से टॉप एंड लेवल की आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की माइलेज की, तो अगर आप इसे सिटी में चलाते हैं तो यहाँ पे 14-16 आप इससे माइलेज निकाल पाओगे, लेकिन इसे अगर आप हाईवे में चलाते हैं तो वही 18-20 आप यहाँ पे हंस के इससे आप माइलेज निकाल पाओगे। अब बात करते हैं i20 स्पोर्ट ऑप्शनल अगर आप लेते हैं तो इसकी जो एक्सोरूम पड़ने वाली है वो 872,800 के आसपास पड़ने वाली है, और इसे हजारीबाग वत्सल हुंडई शोरूम से लेते हैं तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स 10,01,700 के आसपास पढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस ऑन रोड के प्राइस में स्पोर्ट ऑप्शनल लेते हैं, स्पोर्ट वेरिएंट ना लेके, तो यहाँ पे अप्रोक्स 40,000 उससे एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो भाई रियलिटी 40,000 में ये 3 फीचर्स काफी अच्छी मिलने वाली है। सबसे
पहले तो सनरूफ, अगर अलग से अगर एडिशनल सनरूफ आप बाहर से लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 60 से 70 हजार का वहाँ पे आपको खर्च गिरने वाली है। साथ में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलने वाली है और इसके साथ यहाँ पे लेदर आर्मरेस्ट मिलने वाली है। ये तीन फीचर्स काफी अच्छी है 40 हजार के रेंज में, तो ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स है जहाँ पे आपको जरूरत की सारी फीचर्स तो अब मिलने वाली है और काफी कम प्राइस रेंज में ये मिलती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्पोर्ट वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसके जगह आप इस वेरिएंट को ले सकते हैं। 40,000 एक्स्ट्रा इस मॉडल के ये तीन फीचर्स के लिए दिया जा सकता है। तो करते दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।